जय माता दी दोस्तों, मैं अब आपका दोस्त मोहित राघव आपके साथ फिर से जुड़ गया हूं और इस बार लेकर आया हूं लंका प्रीमियर लीग। बिग बैश लीग भी हम कवर कर रहे हैं और उसके साथ लंका प्रीमियर लीग भी एक ही दिन शुरू हो रही है। दोनों लीग हम वीडियो के थ्रू कवर करेंगे, टेलीग्राम पर भी कवर करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल @MohitCricketologist ज्वाइन कर लें, जुड़ जाएं उससे, ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे और आपको जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। अब इस मैच की बात करते हैं। पहला मैच है गाले ग्लेडिएटर्स वर्सेस जाफना किंग्स। जी हाँ, जाफना स्टालियंस हुआ करते थे पिछले सीजन तक, अब वो किंग्स हो गए हैं। गाले ग्लेडिएटर्स की टीम तो थी ही, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर इनके जो है वो खेल रहे हैं T10 में, लेकिन T10 चूंकि खत्म हो चुका है तो सभी प्लेयर बाई फ्लाइट अपडेट ये है कि पहुंच जाएंगे लंका में और सभी प्लेयर फिट टू प्ले हैं, फिट टू अवेलेबल हैं खेलने के लिए। उसके साथ साथ क्या प्लेइंग 11 की रूपरेखा होगी, कैसे स्मॉल लीग टीम बनेगी, क्या ऑड्स होंगे, कौन सी टीम जीत सकती है, वो सारे अपडेट इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिच की। देखिए, कोलंबो में मैच होगा, पिच कैसी है, स्लो एंड लो पिच, मतलब 130-140 का एक स्कोर चैलेंजिंग हो जाएगा चेज करने के लिए, स्पिनर्स के लिए मददगार पिच होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चेज करने वाली टीम को थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। प्लेइंग 11 दिखा देता हूं आपको, पहले वन बाय वन क्या हो सकती है। तो प्लेइंग 11 आप अपनी स्क्रीन पर देखें, ये पहले गाले ग्लेडिएटर्स की ये रही। भानुका राजपक्षा कप्तान भी हैं इस बार, उनके साथ धनुष्का गुणातिलका, कुशल मेंडिस, मोहम्मद हफीज, जयसिंघे, सरफराज, समित पटेल, इशरुद्दौला, शम्सी, आमिर और तिलन तुसारा। ये टीम, नुवान तुसारा माफ कीजिएगा, ये प्लेइंग 11 होने वाली है गाले ग्लेडिएटर्स की। दूसरी तरफ मैं बात करूं जाफना किंग्स की, तो उनकी जो प्लेइंग 11 होने वाली है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है। फाफ डुप्लेसिस, रहमान अल्लाह गुरबाज, अविष्का फर्नांडो, उपुल थरंगा, सोएम मलिक, वानिदु हसरंगा, तिसारा परेरा, वहाब रियाज, सुरंगा लकमल, जेडन सील्स और महेश तीक्षणा। ये 11 प्लेयर हो सकते हैं, खेलते नजर आ सकते हैं आपको कल के मैच में। अब इनमें से अहम खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं गाले की तरफ से, तो देखो सबसे बड़ा प्लेयर तो गाले के लिए है धनुष्का गुणातिलका। कारण बता देता हूं, देखो ओपनिंग में बैटिंग करेंगे, टॉप थ्री में तो पक्का ही है, उसके साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं, स्पिन और विकेट चटकाते हैं। उनके साथ साथ इशरुद्दौला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तबरेज शम्सी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और कप्तान भानुका राजपक्षा भी। बात करें अगर हम जाफना किंग्स की, तो उनके लिए अविष्का फर्नांडो का रोल, वानिदु हसरंगा सबसे बड़े प्लेयर और कप्तान तिसारा परेरा, ये बहुत अहम खिलाड़ी होने वाले हैं। ऑड्स की बात करें तो इस मैच की फेवरेट कौन है, तो इस मैच की जो फेवरेट टीम है विनिंग के लिए वो जाफना किंग्स है। आपको इसी पे दांव लगाना है। दांव कहां लगा सकते हैं, दांव आप लगाइए बैट अड्डा पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करें, वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ऐप अभी तक नहीं आई है, वेबसाइट पर पहुंच के रजिस्टर करिएगा, डिपॉजिट करिएगा। ध्यान रखें लिंक से, इसी से अगर आप डाउनलोड करेंगे, इसी लिंक से आप साइन अप करेंगे, तभी आपको बेनिफिट्स इसके वेबसाइट के काफी सारे मिल पाएंगे। अगर आप सीधे जाते हैं तो आपको काफी बेनिफिट से वंचित रहना पड़ सकता है। इस पे खेलना कैसे है उसका ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और चैनल पे पड़ा हुआ है, तो वहां से आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं मैच में। देखिए स्मॉल लीग टीम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो स्मॉल लीग टीम आपको कैसे कहाँ आजमानी है उसका भी बता देता हूं। अगर आप सिर्फ फैंटेसी खेलना चाहते हैं तो 1-11 पे खेलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिन कमेंट में किया हुआ है, वहां से उठाइए, डाउनलोड कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड MS राघव डाल दीजिए, या लिंक से करेंगे तो उसको भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खेलना स्टार्ट कर दीजिए। टीम दिखा देता हूं फटाफट आपको, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर टीम है। गुरबाज विकेट कीपर है मेरे, उसके अलावा पांच बैटिंग ऑप्शंस के साथ मैं जा रहा हूँ, फाफ डुप्लेसिस, अविष्का फर्नांडो, गुरबाज, तीन जाफना किंग्स से, तो गुणातिलका, राजपक्षा और कुशल मेंडिस तीन ही हैं आपके गाले ग्लेडिएटर्स से। एक अकेले ऑलराउंडर में लेके जा रहा हूँ वानिदु हसरंगा को, और वही है मेरी टीम के कप्तान। उसके अलावा चार बॉलिंग ऑप्शन, तीक्षणा, रियाज, उदाना, शम्सी, चारों बढ़िया फॉर्म में है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। वानिदु हसरंगा पांचवा बॉलिंग ऑप्शन, धनुष्का गुणातिलका छह बॉलिंग ऑप्शन मेरे इस टीम में है, दोनों टीमों से तीन तीन। गुणातिलका ओपन करेंगे, उसके अलावा ओवर्स भी डालते हैं, विकेट्स भी लेते हैं, इसीलिए वाइस कैप्टन, चाहे आप इनको कैप्टन बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ग्रैंड लीग में आप इनको कैप्टन बना के जाएं। शुरू के मैचेस में आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं अगर आप इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाएंगे।
गेम कवर टीम आपको बहुत अच्छा दे रही है। टॉप फोर से तीन तीन ऑप्शन आपको मिल रहे हैं बैटिंग में, बॉलिंग से आपको 12-12 ओवर लगभग मिल रहे हैं, मतलब 24 ओवर का गेम कवर दे रही है। इसी टीम को अगर आप ग्रैंड लीग लुक देना चाहें तो क्या करिए, ये करिए कि गुणा तिलका को कैप्टन बनाइए सबसे पहले आप। उसके अलावा कुछ बदलाव करिए, जैसे कि कुशल मेंडिस की जगह आप ट्राई करिएगा उपुल थरंगा को। उसके अलावा सोएम मलिक को आप ट्राई कर सकते हैं। तिसारा परेरा को आप कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी या एज ए प्लेयर भी ट्राई कर सकते हैं। इसरू उदाना भी एक आपके लिए बढ़िया पिक साबित हो सकते हैं कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के लिए। तो ये कुछ बदलाव करके आप ग्रैंड लीग टीम बना सकते हैं इसकी। बाकी जो अपडेट आपको चाहिए वो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल @MohitCricketLogist से जरूर जुड़े ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। टॉस के बाद फाइनल टीम भी वहीं आती है, तो ना भूलें और अभी जुड़ जाएं @MohitCricketLogist से। मैं मिलता हूं आपसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।